मेरा नाम है अनिल अरोड़ा। हमारी जो संस्था मेरा कर्तव्य है, इसका उद्देश्य है कि इसको बनाने के पीछे जो मकसद है कि हमने अपनी सोसाइटी में, अपने देश में ये चीज़ बहुत देखी है कि यहाँ पे हजारों संस्थाएं बनी हुई हैं जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। हमारा इस एनजीओ को बनाने के पीछे मकसद है वो ये है कि हम लोग अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहते हैं कि हमें ये चीज़ सरकार का हक है, ये कानून में लिखा है, ये संविधान में लिखा है, ये हमारे हक है और हमें ये चाहिए और हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन हमारा जो एनजीओ बना है इसका मकसद ये है कि हम लोगों को उनके कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक करवाएं। सर, आप कई सारे सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे कि स्कूली बच्चों में भी कुछ दिनों पहले बाल मजदूरी करवाई जा रही थी, इसके लिए आपने क्या कदम उठाए थे? जी, इसके लिए ऐसा है कि हमने चाइल्ड राइट कमीशन और माननीय प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्रालय, DC और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को एप्लीकेशन दी थी, जिसमें चाइल्ड राइट कमीशन ने इसका संज्ञान लेके इस पे जो अपना निर्णय सुनाया है वो ये है कि जितने भी पंजाब में सरकारी स्कूल हैं, जैसे एलिमेंट्री है, प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें पंजाब के होम सेक्रेटरी को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि हर एक स्कूल में एक सफाई सेवक मुहैया करवाया जाए। सर, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, किस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? जी, मैं पिछले 16 साल से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मैं कार्य करता हूँ और इस वक्त जो संगठन की तरफ से मुझे जिम्मेवारी दी गई है वो विश्व हिंदू परिषद में लुधियाना संपर्क विभाग का प्रमुख बन गया है मुझे, और जिसमें मेरा जो काम है वो ये है कि सभी ऐसी संस्थाओं से संपर्क करना जो देश हित के लिए काम करती हैं, उनके बीच में समन्वय बैठाकर उनको एक मंच पर लाकर देश और समाज की तरक्की के लिए काम करती हैं। सर, हाल में 15 अगस्त आ रहा है, कई लोग आज़ादी दिवस मना रहे हैं और कई लोग जैसे कि क्षेत्रों में गरीबी रेखा है बहुत ज़्यादा, ना वहाँ खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है, ना बिजली है, ना शिक्षा है, इसके बारे में आप देखिए, ऐसा है कि मैं गरीबी और शिक्षा के बारे में यही कहूँगा कि हमारे देश में अगर दो चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाए तो इस देश की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है आने वाले समय में, जिसमें एक है मेडिकल और दूसरा है एजुकेशन, और यही दो चीज़ें जो है मैं बड़े मतलब दुखी मन से कह रहा हूँ कि इन्हीं दो चीज़ों का हमारे देश में अभाव है कि मेडिकल और एजुकेशन हमारे देश में सबसे महंगी है, इनको दुकानदारी बना दिया गया है। हालांकि इस क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों को सेवा भाव से आना चाहिए, लेकिन आज की डेट में मेडिकल और एजुकेशन जो है ये एक बिजनेस बन चुका है जिसको सरकार को इसकी तरफ देखने की बहुत ज़रूरत है। और बाकी आने वाली 15 अगस्त जो है ये हमारे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और इस दिन को देखने के लिए हमारे देश में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, चंद्रशेखर आजाद जी, बिस्मिल्ला जी, ऐसे और लाखों कई अनगिनत बेनाम लोग देशभक्त ने अपना खून देकर इस देश को सींचा है, इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है कि जिसके स्वरूप हमें आज जो स्वतंत्रता मिली है, हमें वोट डालने का अधिकार मिला, हमें बोलने की आज़ादी मिली है, तो ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो हमें इस दिन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाना चाहिए और मैं अपील करूंगा सभी देशवासियों से कि 15 अगस्त के दिन सभी लोग अपने घरों की छतों पर तिरंगा लहराएं, अपने आस पड़ोस मिठाइयां बांटें, ढोल पटाखे चलाएं और अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता का हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाएं।